हेलो गाइस, वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्ट्री टैरो 1111। तो उनके सेंसुअल थॉट्स आपके लिए क्या है आज, इसकी रीडिंग होगी। ये रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव बेस पे है और मर्यादा में रहते हुए है, क्योंकि यूट्यूब पर अलाउ नहीं है कि आप जो है ऐसी रीडिंग करें। मैं करूँगी, मेरे पास वर्ड नहीं होते हैं बोलने के लिए, इसके लिए मैं 18+ नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास वर्ड ही नहीं है क्या मैं बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आता है। और बहुत सारी जो जनता है इंग्लिश, मुझे इंग्लिश में ही थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है ऐसे 18+ रीडिंग में, क्योंकि हिंदी में मुझे नहीं समझ में आता मैं क्या बोलूँ। तो इस बात को आप ज़रूर समझें, इसके लिए मैं 18+ अभी तो नहीं ला रही हूँ, लेकिन हाँ उनके सेंसुअल छुपी हुई सेंसुअल थॉट्स आपके लिए क्या है, सेंसुअल डिज़ायर कह सकते हैं, सेंसुअल फैंटेसी कह सकते हैं। तो आज इसकी रीडिंग है, ये रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव बेस पे होगी। ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट करे, तो टेक इट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। और मैं ये भी कह देना चाहती हूँ कि जिन लोगों को भी रीडिंग पसंद आती है, आप सुपर थैंक दे सकते हैं। कृष्णा पाटिल ने मुझे सुपर थैंक्स दिया है मेरी प्रीवियस रीडिंग के लिए। थैंक यू सो मच कृष्णा पाटिल जी, आप जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं वो सुपर थैंक्स देते हैं, रीडिंग को अप्रिशिएट करते हैं। अगर आपको लगता है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे कुछ होता नहीं है, इससे एक जिस तरीके से आप ये YouTube की तरफ के पास ही जाता है, एक डोनेशन जैसा समझ सकते हैं, एक चैरिटी समझ सकते हैं। तो ज़्यादा अमाउंट भी नहीं है, 40 रुपीज़, 100 रुपीज़। अगर पसंद आती है तो आप ज़रूर डोनेट करें, क्योंकि बोलते हैं ना कि हमारे जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए डोनेशन, पार्ट ऑफ द लाइफ। हम जो भी कुछ कमाते हैं एक हिस्सा दान करना चाहिए, एक हिस्सा जो है अपने बच्चों के लिए, एक हिस्सा धर्म, जो बोलते हैं दान मीन्स धर्म स्थान के लिए होता है। तो अपने जो भी कमाते हैं उससे हमारा जो धन है वो दुगना तिगुना चौगुना ऐसा बढ़ता है, और होता भी है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो भी मैंने दिया है दूसरे को वो मुझे एक नहीं कितनी ना मल्टीपल होके मुझे मिला है, जिसके लिए मैं ग्रैटिट्यूड हूँ। और मेरा ये एटीट्यूड है ऑफ ग्रैटिट्यूड, मेरा एटीट्यूड हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो चलिए, आपके पर्सन के सेंसुअल थॉट्स क्या हैं। सिक्स ऑफ कप्स है तो बहुत ही कंफर्टेबल, लाइक अ सोलमेट की एनर्जी है। 4 ऑफ कॉइन, ओ माय गॉड, 3 ऑफ सोर्स, सेंसुअल थॉट्स क्या है मेरे व्यूवर्स के, पार्टनर के सेंसुअल थॉट्स, स्पिरिट प्लीज बताएं। एक कार्ड और मैं बॉटम ऑफ द डेक के देख लीजिए, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे जितने ज़्यादा स्टार साइन निकल के आए हैं वो सबसे ज़्यादा जो है 1, 2 एंड 3, 4, 5, यानी सबसे ज़्यादा इमोशंस हैवी हैं। तो कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी है, उसके बाद टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, उसके बाद एरिज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। तो सबसे ज़्यादा इमोशंस हैवी हैं। तो आपके पर्सन के सेंसुअल थॉट्स लाइक अ रोमांटिक, आपके पर्सन बहुत रोमांटिक हो सकते हैं, और उनके सेंसुअल थॉट्स या फीलिंग्स या डिज़ायर कह सकते हैं कि बहुत ही इमोशनल है और रोमांटिक है। रोमांटिक आपके पर्सन ज़रूर है, डेफिनेटली है। आपके पर्सन बहुत बहुत हैवी इमोशनल, हैवी रोमांटिक है। मिस रोमांस में वो कुछ भी कर गुजर जाने की क्षमता रखते हैं। उसके बाद टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, यहाँ देख सकते हैं 2 ऑफ
कप्स की एनर्जी है जो एक कंपैटिबिलिटी की है, मेड फॉर ईच अदर वाली एनर्जी है, एक एक्सेप्टेंस की है, मतलब आप दोनों एक दूसरे को म्यूचुअल कह सकते हैं, जितने आपके पर्सन रोमांटिक हैं उतना ही आप भी रोमांटिक हैं, जितना वो आपको रेस्पेक्ट देते हैं उतना आप भी उनको रेस्पेक्ट देते हैं, दोनों में एक्सेप्टेंस भी है एक दूसरे को लेकर, और दोनों जो है एक दूसरे की रोमांस के लैंग्वेज को यानी रोमांस की भाषा को समझते हैं, बिना कहे भी वो आप समझ जाएंगे, अगर वो नहीं भी छू रहे हैं लेकिन आंखों से वो इशारा कर रहे हैं कि छू लो यार छू लो, तो आप छू लेंगे। मुझे आज हंसी नहीं रुकेगी क्योंकि इस टॉपिक पे रीडिंग है, तो आप छू लेंगे, मीन्स वो आंखों से सिर्फ देखेंगे और आप वो काम कर जाएंगे, तो ऐसी एनर्जी है। टू ऑफ कप्स लाइक अ मेड फॉर ईच अदर, भाई आप एक दूसरे में मर्ज हो रहे हो, आप एक दूसरे में समा रहे हो, यहाँ रेड कलर है और यहाँ ब्लू कलर है, कि लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशंस, लॉट्स ऑफ डर्टी टॉक, जिससे कि आप जो है इन्हें आप रेडी कर सके, मीन्स मुझे वर्ड्स ही नहीं है क्या बोलूं, जिससे कि आप जो है इन्हें अराउज कर सके, और अराउज करने के बाद फोर प्ले जो भी है ये करने के बाद, क्योंकि आपका हाथ जो है आप देख सकते हैं, आपका हाथ या इनका हाथ एक दूसरे को टच करके ही आप अराउज कर सकते हैं, एक दूसरे को टच करके आप फोर प्ले कर सकते हैं, एक दूसरे को टच करके ही आप जो है एक दूसरे में कंफर्टेबल फील कर सकते हैं, क्योंकि सिक्स ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, लॉट्स ऑफ कप, भाई रोमांस ही रोमांस है, उसमें थोड़ी बहुत डटी बातें भी होंगी ना, तो डेफिनेटली आपके पर्सन के हिडन एंड सीक्रेट जिसे कह सकते हैं सेंसुअल थॉट्स यही है, क्योंकि यहाँ सोलमेट की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आप जो चाहो इनसे करा लो, ये कुछ नहीं करने वाले, आप जो चाहो आप कह दो कि इन्हें सर दबा दो, सर दबा दे, पैर दबा दो, पैर दबा दो, हाथ दबा दो, हाथ दबा देंगे, भाई हाथ को छुओ, हाथ को छुएंगे, और किसी प्राइवेट पार्ट को छूना है वो छुएंगे, जो जैसा कहो आप, ब्लो कहो या फिर आप उसे जिस कहो वही आपको, ये जो कहेंगे आप वही करेंगे, प्यार में ये डूब जाएंगे, प्यार में न्यू स्टार्ट ही है, क्योंकि ये पर्सन थोड़े से मैच्योर जरूर होंगे रोमांस के मामले में, रोमांटिक हैं लेकिन स्टार्ट आपसे वो करवाएंगे, आप जो चाहो वो ये करने को तैयार है, आप जो इनसे करवा लो वो आपको ये देंगे, आप अगर फोर प्ले चाहते हो जरूर करेंगे, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि यहाँ पेंटिकल्स के भी कार्ड बहुत ज़्यादा है, मीन्स इस धरती पर आप सेक्स की मेमोरीज़ को कलेक्ट कर सके, इनके साथ आप जो है उसी पल को याद रख सके, उस क्षण को हमेशा हमेशा के लिए मेमोरियल बना देना चाहते हैं, मीन्स आप उनकी मेमोरीज़ को लॉट्स ऑफ माइंड में, मतलब लॉट्स ऑफ टाइम आप माइंड में जो है रिवाइज कर सकते हैं, ऐसा वो चाहते हैं, और डेफिनेटली आप देख सकते हैं थ्री ऑफ वैंड्स बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एंड फोर ऑफ पेंटिकल है, बहुत ज़्यादा डिज़ायर भी है इस पर्सन के, भले ही वो आपको नहीं बताए हैं, छिपा के रखे हैं अपने दिल के किसी कोने में, लेकिन वो जो करेंगे बहुत ही स्टेबल काम और हेल्दी वे में करेंगे, मीन्स हेल्दी वे में ही वो आपको एक चरण सीमा वाला सुख, जिसको जो भी अराउजमेंट है एक चरण सीमा का, वो सुख जरूर आपको देंगे, और इसमें पोटेंशियल भी है, टू ऑफ कप्स आप पोटेंशियल भी है, अगर आप मैरिज तो मैरिज, कमिटमेंट तो कमिटमेंट, और मैरिज के बाद और मैरिज से पहले जो भी जैसा भी आप इस रीडिंग को लें वैसे ही आपकी रीडिंग है। ये मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग जो है ऐसे आप एक एज अ हीलर को आप ऐसी ऐसी चीज़ें बता रहे हो, बोल रहे हो, कभी सोचा करो कि जो जिसके लिए जैसा सोचता है ना, जो जिसके लिए जो वर्ड यूज़ करता है ना, फर्स्ट आपको फेस करना पड़ता है, फर्स्ट उसका एक्सपीरियंस आप करते हैं, फर्स्ट आप उसका एक्सपीरियंस करते हैं, तभी वो दूसरे को जाए या ना जाए, यहाँ दुनिया में इतने लोग हैं, प्रधानमंत्री को लॉट्स ऑफ लोग गाली देते हैं, सबको गाली देते हैं, तो क्या सबकी बातें उन्हें लग रही है, नहीं लग रही ना, वो अपने काम में है, वो अपने ऊपर फोकस है, तो आप इतना जो मेरे कमेंट बॉक्स में बोलेंगे उसका कोई फ़र्क मुझे नहीं पड़ने वाला है, मैं एज अ हीलर हूँ, मैं हील करती हूँ और मेरा काम यही है,
आपके लिए भी मैं ये गाइडेंस जो भी देती हूँ एज अ हीलर, एज अ गाइड कह सकते हैं। तो जो भी आप एक्सपीरियंस करके आप अपनी बातें कमेंट बॉक्स में निगेटिव रखते हैं, तो निगेटिव बातें जब आप रखते हैं वो आपका एक्सपीरियंस फिर से होगा। अगर आपने किया है लेकिन फिर भी निगेटिव, किसी को गाली दे रहे हैं, किसी को बकवास कह रहे हैं, मुझे इतनी सारी बातें आप कमेंट में बॉक्स में बोल रहे हैं, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा भाई, मुझे पता है कि मैं कहाँ अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं सोशल मीडिया पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, यहाँ पे आपके जैसे लोग चाहने वाले भी बहुत हैं और उससे ज़्यादा ना चाहने वाले लोग भी हैं। एक्सेप्टेंस है, क्योंकि यूनिवर्स ने सबकी एनर्जी डिफरेंस बनाई है, सबकी फ्रिक्वेंसी अलग अलग बनाई है, लेकिन आप इतना फ्रस्ट्रेटेड ना रहें। अपने जीवन में हमेशा जो है काम, कूल और ग्रैटिट्यूड का भावना रखें। ग्रैटिट्यूड, क्योंकि आप दूसरे के लिए ग्रैटिट्यूड रखेंगे तो पहले आप ये खुद फील करेंगे, तभी आपको दूसरे के लिए ये होगा। तो अपने लिए जीना सीखिए, अपने को हैप्पीनेस में भरिए, क्योंकि दूसरे को बोलने से पहले वो आपको एक्सपीरियंस होगा। इसीलिए मैं गॉड ब्लेस यू सब कहते हैं। गॉड ब्लेस यू का मतलब ही हो गया ब्लेस आपको करने से पहले भगवान मुझे करेंगे, क्योंकि मेरे मैं जो आपको दुआ दे रही हूँ पूरे अनकंडीशनल वे में, प्योर वे में, आपको जैसे लेना लीजिए। इसलिए चलिए रीडिंग पे आते हैं। तो आपके पर्सन डेफिनेटली, अगर आप मैरिज से पहले या मैरिज के बाद इस रिश्ते में डेफिनेटली पोटेंशियल है, आपका जो फिजिकल रिलेशन कह सकते हैं, इमोशनल जो आप दोनों की कंपैटिबिलिटी है वो बहुत, अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, बहुत मेड फॉर ईच अदर वाली है। मीन्स आप बने, वो बने एक दूसरे के लिए, मतलब हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, और लॉन्ग लास्टिंग है, ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म वाले हैं, लॉन्ग लास्टिंग है। यहाँ थ्री ऑफ सोर्स भी है, तो डेफिनेटली उन्हें कहीं ना कहीं रिजेक्शन का डर लगेगा कि वो आपके सामने कमज़ोर ना हो जाए, वो आपके सामने, मतलब आपको ऐसा ना लगे कि ये पर्सन मुझे सेटिस्फाइड नहीं कर सकता है, या ये पर्सन मुझे, मतलब जितना आपने ख्वाब देखा था, जितनी अपनी फैंटेसी की थी उसमें कम ना हो। तो इस बात का उनके कहीं ना कहीं दिल के कोने में ये ज़रूर ये थॉट है कि वो आपको फुल्ली रूप से सेटिस्फाइड ज़रूर करेंगे, आपका दिल नहीं तोड़ेंगे, आपकी दिल की हर एक इच्छा को पूरा करेंगे, हर एक इच्छा को पूरा करेंगे। और ये पर्सन फुल्ली रूप से डिज़ायर से भरे हुए हैं, बैलेंस डेफिनेटली रखेंगे, क्योंकि यहाँ टू ऑफ पेंटिकल एंड टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस का कार्ड मतलब आपको एक चरम सीमा का सुख भी देंगे, यानी कि आपको फिजिकली भी आपको ये पर्सन सेटिस्फाइड करेंगे, इनके सेंसुअल थॉट्स है भाई, और डेफिनेटली इमोशनल लेवल पे भी आप इनके साथ फुलफिल फील करेंगे, मिस एक कंटेंट फील करेंगे कि हाँ पार्टनर हो तो ऐसा जिसने मुझे हर एक वे में टच किया है, मेरे सोल को टच किया है, मेरे इमोशंस यानी मेरे मन को टच किया है, एंड डेफिनेटली मेरी डिज़ायर को भी फुलफिल किया है, ऐसी फीलिंग्स आप में होगी। और ये चाहते भी हैं आपको वो चरण सीमा का सुख देने। तो क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट लिटिल बिट ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पेज ऑफ वैंस है, इमेच्योर है, यहाँ पे ए सब कफ है, ये के मामले में थोड़े से डिफेंसिव ज़रूर हैं, इमेच्योर कह सकते हैं, इन्हें पता नहीं है, आपको ही सिखाना होगा, आपको ही बताना होगा, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं जो मेरी फ़ीमेल व्यूवर्स है, फ़ीमेल व्यूवर्स के लिए ही ये मैसेज है, मेल व्यूवर्स के लिए आपके लिए यही मैसेज है कि आपकी जो पार्टनर है, जो फीमेल पार्टनर हैं वो बहुत रोमांटिक है, बहुत बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, और वही मुझे ऐसा लगता है कि ये कार्ड को देखकर वही लीड करेंगी। यानी मेरे फीमेल व्यूवर्स ही लीड करने वाली है इमोशन के लेवल पे, यानी कि इमोशनली आप अपने पार्टनर को भी बहुत सेटिस्फाइड फील कराएंगे, एंड डेफिनेटली इसकी लीड आप ही लेंगे, आप जैसा डायरेक्शन देंगे वैसा ही ये लीड करेंगे, चाहे वो फिजिकल डिज़ायर को फुलफिल करने में या इमोशनल कम्प्लीशन की तरफ, यानी इमोशनली फुलफिलमेंट की तरफ, और पूरी तरह से ग्राउंडेड वे में, पूरी तरह से स्टेबल वे में, मीन्स आपको ये फीलिंग फील हो, आपको लगे कि हाँ भाई
हमने भी कुछ किया है। तो चलिए मैं ज़्यादा डिटेल्स आज रीडिंग नहीं लूँगी, इनके फैंटेसी वाले मैं डाइस निकाल लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि ये ट्रेडिशनल भी हैं, ट्रेडिशनल वे में भी करेंगे। और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है, तो ये आपकी ये वो एनर्जी है जो उनके माइंड में अभी है और वो करने वाले भी हैं, क्योंकि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की है, फैंटेसी नहीं है, ये वो करेंगे। ये धरती पे क्रिएट करने वाली है, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में स्टेबल एनर्जी है और इसको ये इस धरती पे कामयाब बनाने वाली एनर्जी है। मिस कामयाब ये बना के रहेंगे, आपको देखना है कि आप क्या ये करते हैं, मिस आप कहाँ तक इसमें कहाँ तक आप दोनों का मिलन कब कैसे होगा ये आपको देखना है। तो ये किस करेंगे, बाइट करेंगे, इनके सेंसुअल फैंटेसी है, किस एंड बाइट, तो लॉट्स ऑफ किसेस होंगी और वो भी पूरे बॉडी पर होगी, बाइट भी होगा, यानी कि लव बाइट तो ज़रूर, ये तो उनका अधिकार है, आपका अधिकार है लव बाइट करने का। थाई है एंड थाई पे किसेस है, तो थाई पे किसेस यानी पुसी लेकिन करेंगे या फिर आप जान लो कहाँ करेंगे। ये कार में तो बहुत सारे लोग जो है ट्रैवलिंग के दौरान ही जो है आप लॉट्स ऑफ और मेनी मेनी वन डे में कितने टाइम, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दोनों में कितना स्ट्रेंथ है कि एक दिन में आप कितनी बार अपने डिज़ायर को फुलफिल कर सके। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू।